नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है और अब चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। आखिरकार किसे जगह दी जाए और किसे ना जगह दी जाए, और ऐसे में अब उन तमाम विधायकों की सांसें थमी हुई है कि क्या उन्हें नए मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी। दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, अब उन्हें एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पुराने मंत्रिमंडल में जो 12 मंत्री थे, यहां पर विधायक थे जो शिवराज के, उन्हें इन चुनाव में हार मिली है। और ऐसे में ये 12 जो मंत्री हैं वो इस मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान को एक और बड़ा झटका लग सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया के 4 ऐसे विधायक हैं जिन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब एक और रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार जिनकी चर्चा मध्य प्रदेश में हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाए, क्या अब शिवराज सिंह चौहान को जल्द एक और बड़ा झटका देने की फिराक में है? और इसी सवाल को समझने की कोशिश मेरे सहयोगी अब्रार से करेंगे। अब्रार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह यादव, वो दिल्ली गए और अब ये कहा जा रहा है कि किसे जगह दी जाए और किसे नहीं, तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान को अब एक और बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को झटका तो लग चुका है, और जहाँ तक अब दूसरे झटके की बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्या उनके करीबी नेताओं को तरजीह दी जाएगी या फिर उन्हें जो है सिरे से खारिज किया जाएगा, क्या मोहन यादव ही अपने चहेते विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने हिसाब से लगभग कैबिनेट जो है वो बनाता है ताकि उसको सरकार चलाने में आसानी हो। तो इस समय जिस तरीके से ये पूरी स्थिति बन रही है या फिर जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इस समय जो है कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो तमाम बड़े सवाल नजर आते हैं, उससे यही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान खेमा को फिर से एक बार झटका लग सकता है। उन्हें अभी भी राहत जो है वो नहीं मिल पाएगी। अच्छा, मोहन यादव, ये रोकना चाहूंगी, आपको माफी चाहूंगी, ये भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, तो क्या यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जिस जोड़ी का बार बार जिक्र किया जा रहा है शिवराज और सिंधिया की, उनके बीच बड़ी दूरी लाने की कोशिश की जा रही है ताकि शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें जनता का प्यार मिलता जा रहा है, उन्हें और ज्यादा कमजोर किया जा सके? आखिरकार क्या रणनीति यहाँ पर हो सकती है बीजेपी की? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई भाजपा के पुराने नेता नहीं है, वो कांग्रेस से आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जाने के बाद कांग्रेसी अगर भाजपा में गया तो 2-3 साल में ही वो भाजपा ही नहीं होगा, उसको कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल सिंधिया खेमे के या फिर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये जो है चुनाव जो था ये भले ही बड़ा चुनाव था, लेकिन अब जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के, वो दरअसल कई मायनों में जो है गंभीर है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में चुनाव को जीतना चाहेगी। और ऐसे में अगर जरा सा भी तालमेल बिगड़ा या ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक बगावत करने पर उतारू हुए, तो सोचिए कि भाजपा के लिए कितने बड़े नुकसान की बात होगी। वाकई में देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार किसे जगह दी जाए और किसे नहीं दी जाए। ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि क्या मोहन सिंह यादव बिना किसी बगावत के एक नए मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएंगे या नहीं, देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।